तो हेलो गाइस, ये मेरा स्कॉर्पियो है। कल रात को मेरा स्कॉर्पियो, मेरा चाबी जो है स्कॉर्पियो के अंदर रह गया और दरवाज़ा बंद करते ही लॉक हो गया। तो आज मैं मेरा स्कॉर्पियो का दरवाज़ा को मैं खोल के दिखाऊंगा कि किस तरह से खोलना है। ऐसे कई बार होता है चाबी अंदर रह जाता है और गाड़ी लॉक हो जाता है, और मेरा साथ में, मेरा स्कॉर्पियो का साथ में 3 बार 4 बार जैसे हो गया है। लास्ट टाइम ताली में एक बार हुआ था, फेबर मंथ में। तो उसी समय में मेरा खिड़की को तोड़ना पड़ा, शीशा को तोड़ना पड़ा था। तो आज मैं ट्राई करूँगा, शीशा नहीं तोड़ेगा, आराम से मैं खोल के अनलॉक करूँगा, दरवाज़ा खोलेगा और चाबी निकालेगा। मैं इसी इंस्ट्रूमेंट से मैं खोलूँगा, और ये जो छोटा सा विंडो देख रहा है यहाँ में, ये विंडो को मैं खोलेगा। ये जो रबर है इसी को खोलेगा, इसको लूज करके। इसको खोलने से तभी मैं दरवाज़ा खोल पाऊँगा। ये देखिए, मैं ये देखिए, पहले मैंने ट्राई किया था इसीलिए पूरा यहाँ में स्क्रैच हो गया है। तो इस तरह भी क्रैच स्क्रैच हो गया। फेबररी लास्ट ईयर 2023 में, फेबररी में ताली में ये लॉक हो गया था, फिर से चाबी को अंदर में रह गया, दरवाज़ा बंद कर दिया अचानक से। तो इसका कारण से मैं खोलना पड़ा। ठंडा समय में खोला तो ये पूरा जाम हो गया था, इसका कारण से ये टूट गया था। तो इसको नया लगाना पड़ा है। तो अभी मैं खोल के दिखाऊंगा। इसको ड्राइवर से इसको ऐसे खोलेगा, खोल के इसको निकालेगा। तो ये बहुत हार्ड है, और ये इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करूँगा। ऐसे करते समय में गाड़ी को डैमेज करने का चांसेस भी रहता है बॉडी को, फिर भी क्या कर रहे हैं, ऐसे तो खोल के करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा चाबी, गाड़ी का चाबी, एक्स्ट्रा चाबी जो है गायब हो गया था, अभी सिंगल चाबी है। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा थोड़ा खोल रहा है ये, और मेरा हाथ भी कल कट गया था, इंजरी हो गया था, इसलिए अच्छा से नहीं पकड़ पा रहा है। मेरा उंगली कट गया था, कल कुछ सामान पैकिंग कर रहा था, मेरा उंगली को काटा अपना हाथ, अपना आप से दाव से काटा। ऐसे करते समय टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, शीशा टूटने का। तो फिलहाल अभी तो नहीं टूटेगा। तो इस तरह से खोला जाता है, ये देखिए खोल गया। अभी मैं यहाँ से अंधार घुसा के वहाँ से लॉक को मैं अनलॉक करूँगा। इसको यहाँ रखते हैं। तो हमारा स्कॉर्पियो का शीशा खोल चुका है, पीछे का जो छोटा सा विंडो था वो खोल चुका है। अभी यहाँ से हाथ घुसा के वो जो लॉक है, ये देखिए यहाँ में है हैंडल, डोर हैंडल, इसका जैसे अपोजिट साइड में लॉक है, लॉक को मैं खोलूँगा और दरवाज़ा खोल जाएगा। ये देखिए, ये जो वो रहा लॉक, इधर है, इस तरफ है। तो इसको, ये जो लॉक करके रखा है, इसको खोलने से दरवाज़ा अनलॉक हो जाएगा। इसको मैंने खोल दिया, खोल दिया। अभी बाहर से मैं इसका हैंडल खींचूंगा। तो अंदर तरफ से अनलॉक कर दिया है, चलो अभी चलिए अभी दरवाज़ा खोलते हैं। ये खोल गया मेरा दरवाज़ा, गाड़ी का दरवाज़ा खोल गया। अभी चाबी मैं ढूंढता हूँ, चाबी कल रात यहाँ गिर गया था, ये देखिए चाबी यहाँ मिल गया। तो दरवाज़ा भी खोल गया, चाबी भी खोल ले लिया। अभी इसको बंद कर दूँ, एंड अभी फिर से मैं इसको फिटिंग करना है, वो जो सामान निकला है इसी को फिर से डालना है। ये डालने का, खोलने में आसान है लेकिन डालने में थोड़ा ट्रिकी लगाना पड़ेगा। फिर से मैं डालता हूँ इसको।
डालने का टाइम है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको साइड में लगाना है, जो जो अंदर में ट्रैक है ट्रैक को फंसाना पड़ेगा साथ में। ऑलमोस्ट लग गया है हमें। ऑलमोस्ट लग गया है। तो सोंग में ऐसे ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, ये लॉक में फंसने का बाद में तब फिटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से फिटिंग हो गया। तो ये लॉक शीशा को मैंने फिटिंग कर लिया है। इस तरह से फिटिंग करता है, इस तरह से खोलता भी और इस तरह से फिटिंग भी करता है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ खुद जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो स्मॉल स्मॉल चीज़ को भी खुद मेंटेनेंस करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस छोटा सा काम के लिए फिर हमको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, फिर बुकिंग करना पड़ेगा, टाइम लगता है, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, फिर पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है। ये जस्ट थोड़ा थोड़ा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए। तो मैंने ये लगा चुका है, फिटिंग कर लिया है, अच्छा से फिटिंग हो गया। और इस तरफ से बाहर साइड से भी देखते हैं, ये फिट हो चुका है। तो इसको अभी ये भी फिट हो चुका है, इस तरफ भी फिट हो चुका है, उस तरफ अंदर भी फिट हो चुका है, और ये भी फिटिंग हो गया। बस इसको थोड़ा मिलाना है, ये जो है इसको निकाल के हम इसका ऊपर में फिटिंग करके लगाना है। तो ये थोड़ा सा ऐसे है, इसको इसको ये जो एक कैप है, ये कैप को निकाल के फिर इसका साथ में ज्वाइन करके फिर इसको फिट करना है, फिटिंग करना है। इसको निकालना पड़ता है, इसको निकाल के फिटिंग करना पड़ता है। तो
गया फिटिंग। तो मैं सेल मैकेनिक, अब मैं फिट करके भी दिखाया। जो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जो लॉक हो चुका था, चाबी को मैंने खोला, दरवाज़ा खोला और ये शीशा खिड़की खोला, खिड़की को खोल के फिर से मैंने फिटिंग कर लिया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, हालांकि ये दिखाने से थोड़ा रिस्की भी है। जो चोर लोग हैं गाड़ी को इस तरह से खोल के चोरी कर सकता है गाड़ी को, लेकिन अपने लिए भी सेफ्टी है। तो दोस्तों मैंने कर दिखाया,